Hello, fourth standard student. In the last video, we had learned EVS 1, lesson number 5, water for every household. It was from this point. Now we are going to continue here. See that we had seen the storage of water, correct? And their methods. Now in the next point here, large amount of plant plastic tanks are installed on the roofs of building, big buildings. And water from these tanks can be piped to the kitchens, bathroom, toilets and in these buildings. When taps are fitted on the pipes, water can be taken or shut off according to the need. This is how water from just one tank can be obtained or several places in a building at the same time. Now another method here given, how the water is supplied. Now you can see in the picture that there are the plastic tanks fitted on the roof of the tall buildings, big buildings, correct? And those pipes are fitted in the tanks. अभी वो पाइप्स उसमें फिट रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ये प्लास्टिक के टैंक्स में देखा होगा, और उसमें पाइप फिटेड फिट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को जाते हैं. वो बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स है वो सभी फ्लैट्स को वो पाइप्स के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है, और वो उनके किचन में, ओके, बाथरूम में, टॉयलेट्स में, सब जगह जाता है. इस तरह से क्या होता है, और उनको उस पाइप्स को नल यानी टैप्स फिट किए जाते हैं, जिससे हम उसको बंद भी कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं जब जहाँ तक हमारी ज़रूरत है वहाँ तक, और एक ही टाइम पे सभी प्लेस पर इनसे पानी लिया जा सकता है. दिस इज़ द वेरी गुड सिस्टम. नाउ लुक, स्केचेस आल्सो गिवन हाउ द पाइप इज फिटेड इन द टैंक्स एंड हाउ दे आर गॉन इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस इन द बिल्डिंग, ओके, एंड वाटर इज सप्लाइड थ्रू दिस. अनदर पॉइंट, can you tell, now it is your knowledge that if the rule is for everyone in the house to cook for themselves, what would be the advantages, the disadvantages. अभी समझो ऐसा रूल बनाया गया कि सबको घर में खाना बनाने का है एक एक नंबर से, ओके, तो वो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तुमको बताने का है कि उसके फायदे कौन से हैं और नुकसान कौन सा है, ओके. इफ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वाटर दे नीड एवरी डे फ्रॉम द रिवर, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अभी देखो एवरी फैमिली को क्या करने का है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनके ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको रिवर से पानी लेने का है एवरी डे, ओके. तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी तुम लोगों को लिखने का है, क्यों क्या होगा. दिस इज योर होमवर्क, ओके. नाउ अनदर पॉइंट वी आर गोइंग टू मूव, वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट. अभी ये वाटर का सप्लाई है ह्यूमन सेटलमेंट यानी जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, यानी विलेजेस हो गए, टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, करेक्ट, और छोटे छोटे सेटलमेंट्स वहाँ पर ये पानी सप्लाई किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है. देखो अभी इन द पिक्चर यू कैन सी द डैम. डैम इज़ द मोस्ट नोन एंड मोस्ट यूजफुल एक्चुअली सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. हियर यू कैन सी दैट नाउ, ये डैम जो रहते ना ये सबसे यूजफुल वाटर सप्लाई है, ओके. देखो अभी लेक्स, रिवर्स, रिजर्वॉयर्स आर सोर्सेस ऑफ वाटर. दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंसेज फ्रॉम आवर हाउसेस. इट इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सच डिस्टेंट प्लेसेस. बिसाइड्स वी कैन नॉट बी श्योर दैट द वाटर कैन बी यूज एज इट इज फॉर ड्रिंकिंग. और देखो वाटर सोर्सेज कौन कौन से, इसके नेम दिए, लेक्स है, रिवर्स है, रिजर्वायर्स है, ये हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर्स है, ओके. लेकिन ये बहुत दूर दूर होते हैं हमारे घर से, हमारे प्लेसेस से, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वहाँ जाकर खुद पानी लाया जाए, करेक्ट. और
ये भी श्योर नहीं होता है कि जो हम पानी वहाँ से लाते हैं, जैसे नदी से, लेक से, या फिर अदर रिजर्वायर्स थे उसमें से, वो पानी पीने लायक है या नहीं है, ये भी श्योर नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई अ लार्ज वाटर सोर्स इज आइडेंटिफाइड नियर अ सेटलमेंट। वाटर फ्रॉम इट इज ब्रॉड थ्रू लार्ज पाइप्स टू अ कॉमन प्लेस, ओके, एंड देयर द वाटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। This is called purification of water, and arrangements are made to distribute this water all over the town or city. This is called distribution of water. तो इसके लिए ये सब डालने के लिए यानी इतना कोई भी जा नहीं सकता है वहाँ प्लेस पर, और ला नहीं सकता है, और वो भी वो वाटर ड्रिंकिंग लाइन में। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक सोर्स जो रहता है वाटर सप्लाई का, वहाँ से क्या किया जाता है, जो नियर बाय रहता है सेटलमेंट के, विलेजेस के, टाउन्स के, सिटीज़ के, वहाँ से पाइप के, बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू वो वाटर को वो सेटलमेंट तक, वो विलेज या टाउन या सिटी तक लाया जाता है, और उसके बाद में उसको और उसको प्यूरिफिकेशन टैंक में लेके जाया जाता है। पहले तो जो प्यूरिफिकेशन ये रहता है प्रोजेक्ट, वहाँ पर ले जाकर उसको प्यूरीफाई करते हैं, यानी शुद्ध किया जाता है, वो पानी को पीने लायक बनाया जाता है, और उसके बाद में हर घर में उसको पहुँचाया जाता है, ओके। और इसको ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर यानी पानी का वितरण। अभी देखो, कैन यू टेल व्हेन वी ड्रॉ वाटर इनटू अ स्प्रे पंप फ्रॉम अ बकेट ऑफ वाटर, इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो। अभी देखो, हमने अभी ये पिक्चर देखो, इसमें दिया है कि एक क्या दिया है कि पंप दिया है, एक पंप, और वो एक वाटर जो एक बकेट है उसमें वाटर भरा है, उसमें डाला गया है, और वो वाटर के वो पंप के थ्रू उस वाटर को खींचा जा रहा है उसमें पंप में। तो वाटर किधर फ्लो होगा, ऑफकोर्स अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। नेक्स्ट, नाउ वाटर टैंक्स एट अ हाइट। अभी जो वाटर टैंक्स रहते हैं, देखो इसमें भी दिया है वाटर टैंक्स की एक पिक्चर, आई एम शोइंग यू, ये कहाँ रहते हैं, हाइट पर रहते हैं, बहुत बड़े ऊँचाई पर रहते हैं। तो देखो, अभी वी नो दैट water flows downwards, but if you want to lift water upwards, we have to use some force. To do that, we need to use a machine, and machine used for lifting water are called pumps, and pumps run on diesel or electricity. अब देखो, हमको सबको मालूम है कि वाटर किधर बहता है, नीचे की ओर बहता है, लेकिन हमको अगर उसको ऊपर लेके जाना है, अभी ये टैंक्स में पानी भरना है रिवर से या डैम से, तो उसके लिए उसको ऊपर पहुँचाने के लिए किसकी ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत होती है, और फोर्स किससे पैदा होता है, मशीन से, और मशीन किस पर चलती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल पर, ओके। अभी देखो, एंड बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट, and but electric pumps can help us do so, and hence water can be filled in tanks at a height and water towers and supplied from there to towns and cities. लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी ने इसको वेरी इजी कर दिया है इस काम को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स से कितने भी दूर, कितने भी ऊंचाई पर पानी को पहुँचाया जा सकता है मशीन के थ्रू, करेक्ट। और इसी कारण ये वाटर टैंक में जाता है प्यूरिफिकेशन सेंटर से, और उधर से फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटी, डिफरेंट विलेजेस और टाउन्स में सप्लाई किया जाता है। अभी देखो, नेक्स्ट पॉइंट, सच टैंक्स आर यूज टू स्टोर द वाटर दैट लीव्स द वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। नाउ अकॉर्डिंग टू नीड, वाटर इज रिलीज फ्रॉम दिस टैंक्स थ्रू बिग पाइप्स, एंड दिस पाइप branches out into many smaller pipes which lead the water to different areas around the large water tank in a particular area. The pipe branches out into smaller and smaller pipes which take water to every house. अभी इसका सिस्टम क्या है कि ये जो वाटर टैंक्स का काम क्या है कि वाटर को स्टोर करने का, लार्ज अमाउंट पर, बहुत बड़े बड़े टैंक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट का वाटर उसमें भरा जाता है जैसा कि उसका नीड है, और उसके काम उसमें भरा जाता है, और उससे बड़े बड़े पाइप फिट किए जाते हैं, लार्ज पाइप्स,
और लाइफ स्टाइल के थ्रू उसको सप्लाई किया जाता है। और फिर इधर आने के बाद में जो टाउन और सिटीज़ है या विलेजेस है, वहाँ से छोटे छोटे पाइप उसमें जोड़े जाते हैं वो बड़े पाइप में, और वहाँ से उन छोटे छोटे पाइप से हर घर में हर बिल्डिंग में वाटर सप्लाई किया जाता है। दिस इज़ द सिस्टम। नाउ लुक हियर, इन सम प्लेसेस देर आर टू और थ्री कॉमन टैप्स फॉर द होल एरिया एंड पीपल लिविंग इन दैट एरिया कम देयर टू फिल वाटर एंड फॉर देयर फैमिलीज। कुछ कुछ एरिया में है ना एक कॉमन टैप्स होता है, यानी एक ही टैप होता है जिसमें से पूरा एरिया के लोग उधर जाकर पानी भरते हैं, ओके, फॉर ड्रिंकिंग के लिए। नाउ लुक इन द पिक्चर हियर, आई एम शोइंग यू व्हाट आर दिस सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सेटलमेंट। ये देखो सोर्स ऑफ वाटर है, एक ऐसा दिया गया है जैसे पाइप दिया गया है, और हाउ दैट पाइप गोइंग थ्रू वाटर टावर, ये वाटर टावर है। और इधर से देखो ये पाइप कैसे कैसे गया है, इधर एक सोर्स ऑफ वाटर भी दिया है। सोर्स ऑफ वाटर कौन सा? रेन है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वाटर रेन है। ये प्यूरिफिकेशन सेंटर में जाता है, वो जब रेन किधर जाती है, डैम में गिरती है, करेक्ट, डैम में वाटर स्टोर होता है इधर, और यहाँ से ये पाइप के थ्रू किधर जाता है, प्यूरिफिकेशन सेंटर, जहाँ पे प्यूरीफाई होता है, यानी वहाँ पे शुद्धिकरण होता है वाटर का जो पीने लायक बन जाता है। इधर से फिर किधर जाता है, बड़े वाटर टैंक में जो, और वहाँ वाटर टैंक में से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ विलेजेस और सेटलमेंट्स को और डिफरेंट बिल्डिंग्स को उसमें वाटर सप्लाई। ये है एक इधर स्केच दिया है कि वाटर सप्लाई कैसा होता है। अभी देखो जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउस। अब ये जो जर्नी है वाटर की जर्नी, ओके, ये सोर्स से तो हाउसेस तक कैसा जाता है ये बताएगा इस स्टेज में। अभी देखो डू यू नो, तुमको मालूम है क्या, नाउ ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हेंस इट इज नेसेसरी टू हैव अ सोर्स ऑफ वाटर एज क्लोज एज पॉसिबल टू वेयर वी लिव। अब ह्यूमन बींग या लिविंग थिंग कोई भी है वो वाटर के विदाउट नहीं रह सकता, उसके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए वाटर का सोर्स हमारे आजू बाजू होना बहुत ज़रूरी है। नाउ दैट इज़ वाई इट इन ओल्डन डेज सिटीज ग्रू ऑन द बैंक्स ऑफ बिग रिवर्स एंड देयर आर मेनी सच सिटीज इन आवर कंट्री, ओके, एंड दिल्ली डेली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ situated on the banks of the river Yamuna in North India and Patna on the banks of the Ganga in Bihar and Nashik in Maharashtra on the banks of the Godavari. So are other examples of such ancient cities. अब देखो यही एक कारण था कि settlement जो थे villages, towns और बड़ी बड़ी cities भी जो थी ना वो सब बैंक्स यानी नदी के किनारे बस गई थी, जैसा अभी दिल्ली है कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी, वो भी यमुना के किनारे बसी हुई है। वैसे पटना है वो गंगा के किनारे बैठा है, बिहार का जो कैपिटल है पटना, वो भी किधर बैठा है, गंगा के किनारे पे सिचुएटेड है। वैसे नासिक ये महाराष्ट्र में गोदावरी के बैंक्स पर है। यानी देखो ये जो एंशियंट सिटीज़ है, ये पुरानी शहर है, ये सब नदी के बैंक्स पर ही है, किनारे पर ही है। इट इज़ ओवर ना नाउ, हेलो, ओके ना, थर्टीन मिनट्स। इवन टुडे इन सम प्लेसेस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोर वेल्स फॉर यूज एट होम, बट इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट द वाटर इज पोर्टेबल, इफ इट इज़ नॉट देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग सो दैट इट विल नॉट एंडेंजर आवर हेल्थ। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाइड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टैंक्स। आज भी लेकिन क्या है कुछ कुछ प्लेसेस पे कि वेल से वाटर ड्रॉ किया जाता है, यानी कुएँ से पानी निकाला जाता है और बोर वेल से भी लिया जाता है घरों में, लेकिन हमको ये पहले इंश्योर करना है कि ये पानी पीने से पहले कि वो पोर्टेबल है कि नहीं है, ड्रिंक करने के लायक है कि नहीं है, ओके, और नहीं है समझो ये ड्रिंक करने के लायक, तो हमको क्या करना है, विच प्रिकॉशन वी शुड टेक, उसको बॉईल करने का है, और तभी उसमें के जर्म्स मर जाएंगे तब वो पीने लायक हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, वो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत डेंजर होगा, ओके। और जो प्लेसेस पे
पानी नहीं है, वाटर नहीं है, स्केयर सिटी ऑफ वाटर है, यानी जहाँ पे पानी का बहुत ही अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे टैंकर से, देखो पिक्चर से मैं तो दे रहा हूँ, टैंकर से पानी को सप्लाई किया जाता है, वहाँ से लोग टैंकर से पानी, ये भी पानी को क्या करना चाहिए, बॉइल करके पीना चाहिए। इन अदर पिक्चर यू कैन सी दैट पीपल आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ऐसा भी पानी कैसा पीना चाहिए, बॉइल करके ही पीना चाहिए। नाउ कैन यू टेल, अभी तुम बता सकते हो कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन योर हाउस एवरी डे, ये क्वेश्चन किया गया है कि तुमको कितना पानी लगता है तुम्हारे हाउस में एवरी डे। तो ये क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी है, और वो कैसा है, एज पर आवर नीड, जैसा कि हमको ज़रूरत है उतना ही पानी लगता है ना, उससे ज़्यादा तो हम भरेंगे नहीं। हु फिल्स दिस वाटर, और ये वाटर कौन भरता है, तुम्हारी मदर या फिर ग्रैंड मदर या फिर जो भी लेडीज़ तुम्हारे घर पे होंगी वो भर दे। नाउ ट्राई दिस, ये एक्टिविटी तुमको करने की है। ओके, टेक एन एम्प्टी बकेट, लिफ्ट इट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स वेट, एक बकेट लेने का है, एम्प्टी बकेट लेने का, वो पानी से भरी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर उठा के देखना है और उसका वेट का अंदाजा लगाना है कि कितना वेट है इसका। नाउ हाफ फिल इट विद वाटर एंड सी हाउ मच हेवियर इट बिकम, एंड इट मस्ट बी क्वाइट अ हार्ड चोर टू कैरी अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोंट यू अग्री। नाउ अभी तुम लोगों को हाफ बकेट भरने का देखने का है कि ये कितना हेवी है, और एक जगह से दूसरी जगह के लेके जाने का है, लेकिन ये कितना हार्ड है ये तुमको इससे पता चलेगा। सो इतना ही हमको आज इसमें से सीखने का है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क, लुक हियर कैन यू टेल, ये पूरे क्वेश्चन आंसर तुमको लिखने का है। ओके, दूसरा तुमको डायग्राम निकालने का है, ये डायग्राम निकालने का है, सी है, ये स्केच बनाने का है, और एक बाजू का डायग्राम उसके दिखाने का है। ओके, और अनदर सोर्स ऑफ वाटर ऑल्सो यू कैन शो फ्रॉम द हियर बाय ड्रॉइंग दिस, ओके, डायग्राम। दिस इज योर होमवर्क, दैट्स इट।